कचहरी आ करूँ मछली लाने, आप लोग उसके बाद आइएगा पैदल लेके। पैदल लेके आएंगे वहाँ से? यस। बढ़िया यार, ब्लॉगिंग करते हुए आऊंगा मैं। अब दूर है मैं, अब मजा आएगा। गुड आफ्टरनून गाइज, अभी क्या है कि हम आ गए फिश मार्केट, और ये सडन प्लान था फिश मार्केट आने का। और एक्चुअली मैं तो उतना नॉनवेज वगैरह खाता नहीं हूँ, और यहाँ पे जो फिश को ये लोग काटने का तरीका सब देख के मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। तो मज़ेदार जगह, बट मेरे को उतना पसंद नहीं आता है बिकॉज मैं खाता नहीं हूँ, तो मेरे को अजीब सा लगता है। दिखा नहीं सकता तुम लोगों को कि उसने जिस तरीके से मछलियों को सिर पे मार के और उनकी जान ली है, दैट वाज रियली क्रूअल। और बट स्टिल हम कुछ कर नहीं सकते इसी चीज़, मैं ही कुछ नहीं कर सकता, मैं यहाँ पर ज्ञान भी नहीं दे सकता किसी को, क्योंकि अगर तुम ज्ञान देने जाओगे तो लोग तुम्हें ज्ञान देने, ठीक है, खैर नहीं कर सकते। अब ये जो सीन है, इस सीन को देख के मेरा थोड़ा सा मूड, मैं वैसे भी देखता नहीं हूँ ना खाता हूँ, बहुत जगह मैंने ट्राई करा नॉनवेज खाने के बाद मेरे को नहीं पाता है, तो ये सीन देख के मेरे को थोड़ा सा गुस्सा लगा, यख वाली फीलिंग आ रही है और सब यहाँ पर स्टिल आई सीरियसली अब मेरा हो रहा है मूड ख़राब, ठीक है, इसको काटते हुए देख के बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है। अब मैं बस यहाँ से निकलना चाहता हूँ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। खैर अब हम निकल चुके हैं फिश मार्केट से, भाई मेरा तो हो गया दिमाग ख़राब, मैं ट्राई भी नहीं कर रहा घर पर जाकर फिश वगैरह, ठीक है। अब हम जा रहे हैं खाजा लेने, खाजा क्या होता है तुम अभी दिखा दूंगा, खाजा क्या होता है, इट्स अ टाइप ऑफ स्वीट, क्रिस्पी होता है, उसे शुगर के रस में डुबा के उसको, क्या शुगर सिरप में डुबा के उसको, और फिर वो बनाते हैं जैसे बनाते हैं फ्रेश फ्रेश एकदम खाओगे ना बनने के थोड़ी देर बाद, तो अच्छा होता है। खाजा वगैरह कहाँ मिलेगा? रावण रोड कहाँ है? केला कैसे कहाँ पे? चलो भाई फिर वहीं चलते, साधु जी तिलकुट भंडार। तो हम आ गए हैं साधु जी तिलकुट भंडार, यहाँ पे यार खाजा मिल जाना चाहिए, पूछते हैं भैया खाजा नहीं मिलेगा? हाँ तो ट्राई करते हैं, अच्छा दिख रहा है वैसे, खा ले भैया, ये वाला देना दो पीस। क्या है ये, इसका नाम क्या है? अच्छा अनरसा, अच्छा यही अनरसा है, अच्छा दो पीस देना भैया। तो हम बैठ चुके हैं रिक्शा में, और रिक्शा बहुत ही छोटा है दो लोगों के हिसाब से, और वैसे भी दीपक बहुत मोटा है तो रिक्शा छोटा है, और हमने कहा कि रिक्शा बढ़िया जगह है, हम यहाँ पर अनरसा भी ट्राई करते हैं, मैंने कभी खाया नहीं अनरसा एक्चुअली। भाई साहब बहुत टेस्टी है, ऊपर से क्रिस्पी है काफ़ी, ठीक है, अंदर से खोया हुआ रखा है दूध का, ऊपर ये वाला लगा रखा है, इसको क्या बोलते हैं, तिल बोलते हैं हम लोग वहाँ, तो पता नहीं क्या ही बोलते हैं, तिल बोलते हैं ना, हाँ आई थिंक ऊपर ये मैदे का है क्रिस्पी, अंदर खोया हुआ रखा, ऊपर ये लगा रखा, बहुत ही अल्टीमेट टेस्टी है, एक बाइट में लग गया कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है। हाँ कि अगर तुम एक दो खा लो तो मन भर जाएगा, बट हाँ थोड़ा बहुत खाने के लिए, खासकर गर्म गर्म खाने के लिए बहुत ज़्यादा टेस्टी है। रिव्यू ऑन रिक्शा, दिस इज रियली अमेजिंग, आई लव दिस। तो हम आ चुके हैं खाजा की दुकान पे, इनका नाम है श्री राम तिलकुट भंडार लायन खाजा, और इसे कहते हैं खाजा, ठीक है, ये खाजा है, और हम इसको लेंगे 2 KG। भैया 2 किलो कर दो, अच्छे वाले पीसेज देना, कर लिया शॉपिंग, और रमना रोड मार्केट से निकल चुके हैं आगे, ठीक है, और हम निकलेंगे मंगलावरी मंदिर की तरफ, जहाँ हमें वापस जाना है, यहाँ पर दीपक का घर है।
लास्ट रिक्शे से बैठा था, मेरे को लग रहा है जब ये उसी में पढ़ता था, क्लास करता था, तभी एक बार किसी के साथ बैठा था, शायद नुपुर के साथ या किसी के साथ रिक्शे में बैठा था, वहीं बैठा हूँ रिक्शे में आज तक, उसके बाद कभी रिक्शे में बैठा ही नहीं। अब ऊपर ये रिक्शा थोड़ा छोटा तो सिर पर चोट भी लग रही है। मंगलागौरी मंदिर जाने का सबसे बढ़िया पता इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है मेरे को, ये रोड चढ़ता हुआ जाता है ऊपर, फिर स्टेयर्स, मजा आता है मेरे को तो। और हम पहुंच चुके ऑलमोस्ट घर, ठीक है। तो उस पहाड़ पे तो हर जगह चढ़ना ही पड़ता है तुमको ऊपर। आज का प्लान था रमजोनी भी जाने का, आई डोंट थिंक कि जा पाऊंगा, कुछ कह नहीं सकते, डिपेंड करता कौन फ्री है कौन नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा सीन है कि अकेले जाना हर जगह ठीक नहीं है, मतलब स्पेशली अगर आप यहाँ का लोकल लाइट नहीं हो तो, तुम्हें लोकल लाइट होना ज़रूरी है अकेले कहीं जाने के लिए। आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, अगर रमजोनी जाना होगा तो तुम लोग को उसका ब्लॉग जरूर मिल जाएगा। तो चलो फिर मिलते हैं तुम लोगों से जल्दी एक छोटे से ब्रेक के बाद, ठीक है। तब तक ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो वीडियो को, ऐसे प्यार दिखाते रहो यार। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय, सी यू सून।